दिनांक 26 तारीख को पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि कुछ लोग अंधेरे में बेली शॉप क्वार्टर मोतीबाग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसी जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस वहाँ पर जाकर पहुँची, तब वहाँ पर कुछ लोग अंधेरे में बैठे थे। कुछ लोग मिले और कुछ अंधेरे का फायदा लेके वहाँ से भाग गए। जो लोग मिले उनके नाम सूरज महेश ब्राह्मणे, अंकित सुनील वाल्मीक, अमन प्रकाश डोनारे, ऐसे तीन लोग वहाँ मिले थे। उनके पास से उस समय एक पिस्टल, 4 राउंड तलवार, चाकू, पल्सर गाड़ी, रस्सी और मिर्ची पाउडर, ये साहित्य उनके पास से मिला। इसका यह है कि वो कोई तो भी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वहाँ बैठे थे और इसकी जानकारी पुलिस को सही समय पर मिल गई और सही समय पर पुलिस वहाँ पहुँच गई, इसलिए आने वाली घटना को रोका गया और एक उनके खिलाफ़ में कट रचना और दरोड़े की तैयारी करना ऐसा गुना दाखिल किया गया। हाँ, प्राथमिक स्तर पर पहले जब पुलिस ने रेड कार्रवाई करी उस समय एक ही पिस्टल मिला था। उसके बाद में तपास में निष्पन्न हुआ कि उसमें से आरोपी ने एक पिस्टल वर्षा के यहाँ के एक आरोपी को बेचा हुआ है और हमारी टीम वहाँ पर जाई गई और वहाँ के आरोपी निखिल खुशालराव शेडमेखे, इसको वर्षा से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक पिस्टल बरामद की गई है। अब ये तपास प्राथमिक स्तर पर है, इसलिए सभी नाम निष्पन्न करना योग्य नहीं होगा तपास सही दिशा में जाने के लिए। इस पहलू पर तपास जारी है और जहाँ से लेकर आया गया था पुलिस वहाँ तक अवश्य पहुँचेगी। हाँ, तड़ीपार आरोपी सूरज ब्राह्मण है, इसको 2 साल के लिए नागपुर से तड़ीपार किया गया था। जो उस तड़ीपार का समय उसका खुला या डिसाइड हुआ था और वो बिना परमिशन लिए नागपुर में आया है, तो इसके बारे में भी हम तपास कर रहे हैं कि उसका आने का उद्देश्य क्या था करके, और वो कोई घटना को अंजाम देने के लिए आया था, क्योंकि आने वाले समय में होली का समय भी है, तो इस दृष्टि से भी उस एंगल में भी तपास किया जा रहा है।